हेलो फ्रेंड्स, मस्वाच अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गुजराती थाली के बारे में। गुजराती थाली क्या है, इसकी विशेषता क्या है और ये हमारी हेल्थ पर कितना असर करती है, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए इन्फॉर्मेटिव और रेसिपी वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। पौष्टिक भोजन का विचार भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। वैदिक काल से संपूर्ण खाना या भोजन खाने की प्रथा रही है। एक थाली भोजन की सबसे स्वादिष्ट और अच्छी तरह से संतुलित थाली है, जिसे आप भारत भर में अपने यात्रा के दौरान प्राप्त करेंगे और ये है गुजराती थाली। गुजराती थाली छोटे कटोरों के साथ गोल प्लेट पर परोसी जाती है, जिसे परिधि के रूप में सब्जी, करी, दही और मिठाई के रूप में कहा जाता है। थाली के केंद्र में रोटी या चावल परोसा जाता है। एक भुना हुआ पापड़, गिलास दूध या छाछ इस भोजन का हिस्सा है। तो आपके पास हाजिर है गुजराती थाली, आज हम इसे परिचित कराते हैं। क्यों गुजराती थाली को एक संतुलित आहार कहा जाता है? क्योंकि गुजराती थाली में दालें, अनाज, सब्जियां और चावल होते हैं। गुजराती व्यंजन सूक्ष्म मिठास के लिए जाना जाता है। यह बच्चों और वयस्कों द्वारा समान है। गुजराती अपने दैनिक भोजन को दाल, भात, रोटी के रूप में संदर्भित करते हैं। विशेष अवसरों पर या त्योहारों के दौरान अधिक स्वादिष्ट और शानदार व्यंजन इसके साथ पूरक होते हैं। हालांकि ये ज्यादातर थाली शाकाहारी होती है और घरेलू वातावरण में परोसी जाती है। एक विशिष्ट गुजराती भोजन रोटी, दाल, चावल और शाक का वर्गीकरण है। शाक कुछ भी नहीं है लेकिन पकी हुई सब्जियां है। यह सूखी या ग्रेवी वाली डिश हो सकती है। दूसरी तरफ अचार, चटनी, भुने हुए पापड़, छाछ सभी उसमें होंगे। गुजरात दूध से बनी मिठाइयों के लिए जाना जाता है, तो इस थाली में आपको दूध से बने व्यंजन जरूर मिलेंगे। गुजराती थाली खाने के फायदे। इस शाकाहारी थालियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मसाले मुख्य रूप से अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ये सूखे मसालों में दालचीनी, सौंफ के बीज और लौंग शामिल है। ये मसाले पाचन में सहायता करते हैं। इसके अलावा नमकीन, मीठे और चटपटे स्वादों का सूक्ष्म मिश्रण गर्मी के महीनों में निर्जलीकरण को रोकता है। गुजराती शाकाहारी भोजन में मौसमी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। यह मौसम के अनुसार गुजराती थाली के बदलाव का मेनू है। गर्मियों के महीनों में जो सब्जियां आपके पाचन तंत्र को ठंडा करने में मदद करती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सर्दियों में ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए खिचड़ी या दाल में घी मिलाया जाता है। काली मिर्च और अन्य गर्म मसालों का इस्तेमाल सर्दियों के महीनों में किया जाता है। इन मसालों के होने से शरीर की गर्मी बरकरार रहती है। तो ये है गुजराती थाली। इसका स्वाद लेना एक अद्वितीय और सांस्कृतिक और पाक अनुभव है। इसका टेस्ट कीजिए और हमें जरूर बताइए कि ये डिश आपको कैसी लगी। ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।